दिल्ली के स्कूलों की बात करें तो कितनी अच्छी स्थिति में अब वो पहुंच चुके हैं, जिसका श्रेय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जाता है। जनता ये खुद कहती हुई नजर आती है कि दिल्ली में स्कूलों की स्थिति काफ़ी सुधर चुकी है। जहां पर देखा जाता था कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ना डालकर प्राइवेट स्कूल में डालते थे, क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि सरकारी स्कूल में ना तो पढ़ाई होती है ना तो वहाँ के स्कूल अच्छे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया ने स्कूलों को लेकर काम किया है, आज उनकी ही चर्चा हर जगह पूरे देश में की जाती है। अब इसी को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की इस तरक्की को लेकर काफ़ी कुछ बोलते हुए नज़र आते हैं और एक संकेत देते हैं कि अब मनीष सिसोदिया जल्द ही जेल से रिहा होने वाले हैं। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। जी हाँ, दरअसल मनीष सिसोदिया को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि यहाँ अब जल्द मनीष सिसोदिया की रिहाई हो जाएगी। एक स्कूल का वो शिलान्यास करने गया था और उसके दौरान वहाँ पर अतिशी भी मौजूद थी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब वहाँ पर भाषण के रूप में बुलाया गया कि आप बच्चों को संबोधन कीजिए, बच्चों को लेकर कुछ कहिए, तो उस स्कूल का शिलान्यास करने के बाद वहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि बेशक अभी यहाँ पर मनीष सिसोदिया मौजूद ना हो, लेकिन आने वाले वक्त में इस स्कूल का उद्घाटन मनीष सिसोदिया ही करते हुए नजर आएंगे और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में स्कूलों के लिए जो काम किया है उसकी तारीफ, उसकी चर्चा हर जगह होती हुई आई है। अभी ये दौर चल रहा है जहां पर विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, लेकिन वो वक्त भी जल्द आएगा जब मनीष सिसोदिया इस स्कूल का उद्घाटन करेंगे खुद अपने हाथों से। यहाँ पर बच्चों को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ये भी बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में हर एक स्कूल अच्छी स्थिति में हो, सभी सरकारी स्कूल एक अच्छी व्यवस्था के साथ देखे जाएं और यहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा आगे जाके भविष्य में जो कुछ बनना चाहता है वो बने, लेकिन सरकारी स्कूल में ज़रूर पढ़े क्योंकि यहाँ के स्कूल काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ वो बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर जो भी बच्चा है वो बिना पढ़े रह जाए, क्योंकि आगे जाके यही हमारा भविष्य है और ये भविष्य में चलकर यही बच्चा कोई ना कोई यहाँ पर प्रधानमंत्री बनता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में उन्होंने मनीष सिसोदिया की रिहाई को लेकर भी बोला तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पर तंज भी कसा। फर्जी डिग्री का मामला अभी चल रहा है और अरविंद केजरीवाल पीएम नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री पर लगातार हमलावर साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि हर एक बच्चा पढ़ा लिखा हो क्योंकि भविष्य में जाकर वो प्रधानमंत्री बन सकता है और वो नहीं चाहते कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ हो। ऐसे शब्दों का बयान करते हुए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। अब इनके ताबड़तोड़ हमले से और मनीष सिसोदिया पर इस तरीके की संकेत देना, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।